सपा के जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय विधायक के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। जनपद चित्रकूट से 2022 विधानसभा चुनाव के प्रति लेकर उठाए बड़े मुद्दे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि राज्य मंत्री जी 5 वर्ष में जोगनी आए, कहां से हो इसकी जांच होनी चाहिए और यह भी बताएं कि सपा की सरकार बनते ही मंत्री जी की जांच कराई जाएगी। करवी चित्रकूट से अनिल प्रधान, मऊ मानिकपुर से वीर सिंह पटेल, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी। दोनों मिलकर समाजवाद का नारा बुलंद करते हुए क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की एक नई लकीर खींचने हेतु लोगों का विश्वास जीतते हुए एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। क्षेत्र की जनता बहुत उत्साह के साथ दोनों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मन बना चुकी है। हम सब लोगों को मिलकर उत्साहवर्धन के साथ मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय पर दबे कुचले पीड़ित लोगों की सहायता हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके, नई क्रांति विकसित हो सके। अपने आम भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह ये अपने आप को बताते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे लिए भ्रष्टाचार करना गौ मांस के बराबर है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार प्रदेश में कहीं किया है तो उत्तर प्रदेश के PWD राज्य मंत्री के यहाँ आए बता रही है कि इन्होंने कितना खुलेआम भ्रष्टाचार किया। आखिर कौन सी इनके पास फसल है, हम लोग पूछना चाहते हैं, जिले का किसान पूछना चाहता कि मंत्री जी ने मूँगफली बोया कि सोयाबीन बोया, कितने बीघे में बोया, कि आखिर वो सीधे 6 गुना हो गई फसल। तो किसान पूछ रहा है कि ये 13 करोड़ वाली फसल हमको भी बताए तो हमारी भी आय बढ़ जाए। जांच की मांग कर रहे थे तो सपा सरकार आएगी 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, यहाँ से दोनों विधायक भारी बहुमत से जीतेंगे। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मानिकपुर में एक आयातित प्रत्याशी लेकर आए हैं, कौशाम्बी का रहने वाला है और 3 जिलों में उसकी बालू और ईंटा के भट्टे और ढोका चल रहे हैं, वो माफिया को लेके आए हैं। यहाँ की जनता जनार्दन, देवतुल्य जनता मानिकपुर की, इस माफिया को खदेड़ने का काम करेगी और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो मंत्री की ईमानदारी की जांच पहले दिन से ही चालू हो जाएगी। पहले